नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। फेडरल रिजर्व ने नहीं बदली ब्याज दर। फेडरल रिजर्व ने कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था, निम्न मुद्रास्फीति और अस्थिर वित्तीय बाजारों के जोखिमों के कारण अमेरिकी ब्याज दरों को रिकॉर्ड निचले स्तर पर रखा है। बहुप्रतीक्षित बैठक की समाप्ति पर फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी रोजगार क्षेत्र की स्थिति मजबूत है, लेकिन वैश्विक दबाव आर्थिक गतिविधियों को कम कर सकती है। चीन में सुस्ती के संकेतों ने अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों के मन में डर पैदा किया है। तेल की कम कीमतें और डॉलर के ऊंचे भाव के कारण महंगाई निम्न स्तर पर है। तेजी से बढ़ी मोदी की लोकप्रियता, कांग्रेस से भी हुए मुरीद। पिछले साल भारत में भाजपा ने सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता रेटिंग में तेजी से इजाफा हुआ है। पीयू ने 6 अप्रैल से 19 मई 2015 तक भारत में 2452 लोगों के बीच कराए गए अपने सर्वेक्षण के परिणामों में कहा कि मोदी ने अपनी नीतियों और शासन से न केवल देश में भारतीयों का गौरव बढ़ाया है, बल्कि उनकी लोकप्रियता की रेटिंग उछलकर 87% हो गई है। प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को देश के सामने मौजूद अधिकतर चुनौतियों पर भाजपा के समर्थकों के साथ साथ विपक्षी कांग्रेस के समर्थकों से भी समर्थन मिल रहा है। जगमोहन डालमिया की तबीयत खराब, अस्पताल में भर्ती। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की तबीयत गुरुवार को अचानक खराब हो गई और उन्हें तुरंत बीएम बिरला अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम उनके उपचार में जुटी है। रात 9 बजे अचानक डालमिया को बेचैनी महसूस हुई। उनकी तबीयत खराब होते ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनकी एंजियोप्लास्टी भी की है। डालमिया के खराब स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ दिनों से अटकलें भी चल रही थी। यही कारण था कि वे बीसीसीआई के सक्रिय कामकाज से दूर थे।